और चलिए अब बात करते हैं मौसम की कि क्या कहता है मौसम। आपको बता दें कि प्रदेश में मावठ ने सर्दी को बढ़ा दिया है, ठिठुरन बढ़ गई है। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बिल्कुल बदला नजर आ रहा है। जयपुर, दौसा, करौली सहित कई जिलों में बारिश और मावठ से प्रदेश भर के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि बीकानेर, झुंझुनू, डीडवाना सहित कई जिलों में कोहरा छाया है। पर्यटन स्थल पर पर्यटकों का आना जाना बढ़ चुका है और सैलानियों से पर्यटन स्थल गुलजार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सर्दी का मौसम लुत्फ उठाते हुए पर्यटन नजर आ रहे हैं, तो ठिठुरन बढ़ती हुई, किसानों के चेहरे खिलते हुए और पर्यटन में भी इजाफा। सैलानी लगातार पर्यटन स्थल पर जा रहे हैं और सर्दी के मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम का मिजाज बिल्कुल बदला। जयपुर, दौसा, करौली सहित कई जिलों में सर्दी बढ़ी है और ये तस्वीर आपको दिखा रहा है। देखिए कि विजिबिलिटी भी कम हो गई है, लेकिन पर्यटन स्थल पर पर्यटकों की आवाजाही में इजाफा। और चलिए अधिक जानकारी के लिए जयपुर से शुभम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सहयोगी शिवांगी भी हमारे साथ जुड़ रही है, साथ ही हमारे साथ माउंट आबू से कमलेश जुड़ रही हैं और आपको बता दें कि हुकुम सिंह भी हमारे साथ सीकर से जुड़ रही हैं। हुकुम, क्योंकि हमारे साथ कमलेश भी लगातार बनी है माउंट आबू से। कमलेश, देखिए माउंट आबू तो बड़ा पर्यटन स्थल है, तो बढ़ती सर्दी पर्यटन को बढ़ावा देगी और पर्यटकों से अब लबरेज नजर आएगा माउंट आबू। पर्यटन के लिहाज से माउंट आबू महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ की सर्दी अपने आप में एक नया जो खूबसूरती है देखने को मिलती है, क्योंकि माउंट आबू की जो सर्दी है यहाँ पर, जहाँ अभी मैं फिलहाल नक्की झील पर खड़ा हूँ और मैं दृश्य दिखाऊंगा, सहयोगी जितेन मेरे साथ है, कि नक्की झील का जो एरिया है, इस एरिया में आप देखिए पर्यटक यहाँ पर घूमने का, यहाँ पर आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि माउंट आबू की जो सर्दी को एंजॉय करने के लिए पर्यटक भी है। बात करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से आए हैं आप लोग। भाई साहब कहाँ से आए? सूरत से। कैसी सर्दी लग रही है, कुछ चेंजेस है? ज्यादा है सर्दी। सर्दी ज्यादा है, कैसा एंजॉयमेंट है परिवार के साथ? बहुत बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। देखिए यहाँ पर महिलाएं भी हैं, हाथ में स्वेटर जैकेट भी है, इनसे बात करने की। मैडम कहाँ से आए? सूरत से। कैसी ठंड लग रही है? ठंडी लग रही है। लग रही है। हाँ। मौसम कैसा था? मौसम अच्छा है। अच्छा मौसम है। देखिए ये तो तमाम पर्यटक है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो मौसम का लुफ्त उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और आप देखिए जो नन्हे बच्चे हैं, देखिए गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि जो सर्दी का असर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर्दी के बीच में जो खूबसूरत तस्वीरें हैं, माउंट आबू खूबसूरती के लिए पहचाना जाता है। तो आप देखिए ये जो ऐतिहासिक नक्की झील है हिंदू, इस नक्की झील में जो तमाम जो पानी वाला एरिया है इस तालाब के अंदर, वो जो भी कड़ाके की सर्दी के बीच भी जो बोटिंग करने का जो लुफ्त है वो यहाँ पर पर्यटक उठाते हुए नजर आता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिन भी माउंट आबू के लिए सर्दी भरे होंगे, क्योंकि जैसे ही तापमान गिरेगा, तापमान गिरने के बाद यहाँ की फिजाएं बदली बदली नजर। कुछ पर्यटक भी है मेरे साथ, उनसे बात करेंगे। ऐसा कहाँ से आए? मैं सूरत ही आई हूँ। केवी छे ठंडी में? ठंडी में मजा आवे छे, मजा आवे, मजा आवे छे। देखिए यहाँ पर ये फैमिली के साथ आए हैं भाई साहब, भावनगर से। दूर है भावनगर? बहुत दूर है भावनगर, 9 घंटे लगते हैं, पर जो सफर हुई है उसका यहाँ आकर ऐसा लगता है कि अच्छा है। मतलब देखिए यहाँ आकर के एक सुकून जो है वो यहाँ पर मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। तो जो तमाम बात करें यहाँ पर जो खरीदारी करने के लिए जो दुकानें जो सज चुकी है, गर्म कपड़ों की जो दुकानें हैं वो भी यहाँ पर सज चुकी है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सर्दी की दस्तक के बाद जो जो रुझान माउंट आबू के प्रति यहाँ पर्यटकों का बड़ा है, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले जो दिन होंगे उन दिनों लगातार माउंट आबू में सर्दी पड़ेगी और सर्दी पड़ने के साथ साथ यहाँ की जो खूबसूरती है और निखर कर आएगी और पर्यटन यहाँ पर और अच्छा खिलता हुआ नजर आएगा। जो तमाम जो तस्वीरें मेरे सहयोगी जितेन मेरे साथ है, इस नक्की झील के गार्डन में आप देखिए जो गर्म कपड़ों की दुकानें हैं वो सजी हुई है,
हैं और यहाँ पर महिलाएं खरीदारी भी कर रही हैं क्योंकि सर्दी से बचने के लिए प्रिकॉशन जरूरी है। तो ऐसे में जो पर्यटक यहाँ आता है वो पर्यटक यहाँ पर खरीदारी भी अवश्य करता है क्योंकि सर्दी का सीजन है। सर्दी के सीजन में गर्म कपड़ों में, देखिए आंटी ने स्वेटर और शॉल भी पहन रखा है, बात करने की कोशिश। आंटी कहाँ से आए आप? हम राजकोट से। ठंड